गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है पर मैं अभी बेड से निकला नहीं हूँ। सब लोग उठ चुके हैं घर पे। मैं होता क्या है, मैं रोज पापा को बोलता हूँ, वो वॉक करने जाते हैं तो बोलता हूँ सुबह उठा देने के लिए 6:30 बजे के आसपास, पर नींद खुल जाती है पर बेड पे ही लेटा लेटा फोन चला रहा होता हूँ और बस सोचता रहता हूँ कि चलो अभी मॉर्निंग हो रही है, अभी छोड़ देते हैं, शाम में चले जाऊंगा रनिंग करने के लिए। फिर इवनिंग होती है तो सोचता हूँ मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो अभी फिलहाल यही चल रहा है कि मॉर्निंग टू इवनिंग, संडे टू मंडे, मंडे को स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए वरना आज जाऊंगा, आज पक्का जाऊंगा भाई, सीरियस हूँ मैं बिल्कुल, आज शाम में जाऊंगा रनिंग करने। तो गाइस हम चल रहे हैं सामने वाले शॉप पे कुछ ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करने के लिए। एक्चुअली ब्रेकफास्ट कुछ है नहीं घर पे बना हुआ, हमारे घर में एक पूजा होने वाली है कुछ टाइम पे, तो इसलिए अभी बाहर का खाना कुछ अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल जैन फूड टाइप खाना अलाउड है, इसलिए अभी हम बाहरी चीज़ों को उतना खा नहीं सकते। तो मिल्क लेके आता हूँ और फ्रूट्स ले आता हूँ, तो फिलहाल ब्रेकफास्ट मिल्क और फ्रूट्स चलेंगे। वैसे गाइस मैंने लास्ट टाइम जब मैं चंद्रपुरा गया हुआ था तो आपको बताया था कि मैं बताऊंगा DBC मैंने क्यों क्विट किया, एक्चुअली क्विट नहीं किया मतलब लीव क्यों कर दिया मैंने DBC वाले ऑप्शन को। DBC तो खुद में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई छोड़ नहीं सकता उसको, अगर किसी की जॉब लग जाए तो वो ड्रीम जॉब होती है। पर दो मेन रीज़न है, एक रीज़न तो आपको पता है कि मेरा चंद्रपुरा में स्टे का कुछ था नहीं, अगर दुर्गापुर DBC मिला होता तो शायद मैं काम करता वहाँ पे, और दूसरा था कि DBC में मुझे इंटर्न मिला हुआ, कोई फुल टाइम नहीं था। और इंटर्न में गाइस एक्चुअली ऐसा था कि मेरी जो डोमेन है गाइस वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डोमेन है, मैंने जो इंजीनियरिंग की है इसी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की है, पर एक्चुअल में वहाँ पे मुझे जो जॉब मिल रही थी वो कोई टेक्निकल थी, बस एज ए टेक्नीशियन मुझे जॉब मिल रही थी वहाँ पे, मतलब एज ए टेक्नीशियन मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी, तो लर्निंग का कुछ था नहीं खास, मैं मैक्सिमम कुछ सीख नहीं सकता था वहाँ पे। मुझे बेसिकली ऐसी जगह पे जाना था जहाँ पे मैं कुछ लॉजिक सर्किट्स PLC वाले काम देख सकूँ या उनके साथ रह सकूँ, सीनियर इंजीनियर्स के साथ, तो लॉजिक डिजाइनिंग सीख सकूँ, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी VLSI से है, पर वैसा कुछ वहाँ पे मिला नहीं, तो इसलिए दो चीज़ें हो गई, एक तो स्टे करने का कुछ नहीं हुआ, खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी, दूसरा कि मेरे हिसाब का वहाँ पे कुछ था नहीं, मतलब मैं कुछ सीख नहीं सकता। अगर आप इंटर्न में कुछ नहीं सीखते हो तो फिर डेफिनेटली बात है कि ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए अभी अदर कंपनीज में ट्राई कर रहा हूँ। तो बस यही रीज़न था मेरा DBC क्विट करने का, और कोई खास रीज़न था नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, तो अभी चलते हैं सामने शॉप पे, आपसे मिलता हूँ बाद में, बाय। यहाँ पे बोर्ड लगी है कि तालाब में कुछ भी गंदगी ना फेंकें, और बस के नीचे से नाला गया है तालाब की तरफ। तो ये टॉप क्लास की सरकसम लगा रखी है यहाँ पे इन्होंने। तो गाइस हम पहुंच गए ने वाटर तक, अब सबसे पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा, अब एडिटिंग वगैरह करूंगा और देखता हूँ आज मेल में कोई पेपर वेपर आया है क्या कुछ, तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट, बाय बाय। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। तो गाइज आज अभी टहलने जा रहे हैं हम, देखते हैं सामने एक पार्क है यहीं पे DC ऑफिस के अंदर, मतलब DC कंपाउंड के अंदर, अलाउड है शायद, ले देखते हैं जाके। दिन भर आज भी कुछ नहीं हुआ, टेस्ट दे रहा था एक कंपनी के लिए, विप्रो का ऑफ कैंपस टेस्ट चल रहा था तो वो दे रहा था, TCS के लिए भी डाला है ऑफ कैंपस, देखता हूँ क्या होती है। अभी सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख लेता हूँ, कोई ऐसे ऑनलाइन एडिटिंग ट्यूटोरियल मिल नहीं रही थी अच्छी, तो शायद सारे पेडेड हैं, तो देखता हूँ अगर कोई अच्छी पेडेड भी मिलती है। आप अगर कोई देख रहे हो, किसी को पता है कि पेडेड एडिटिंग क्लासेस, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, फिर मैं देख लूँगा, अगर उसको चेकआउट कर लूँगा। अभी आपको हम आगे मिलते हैं सीधा। तो ये है गाइस दुमका का गवर्नमेंट बस डिपो, जस्ट पोस्ट ऑफिस के सामने है, और ये हनुमान जी का मंदिर। पार्क जाने वाले थे पर फिर अंधेरा हो गया और प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि हम जब दुमका आए थे तो हम स्विमिंग पूल ढूंढ रहे थे, स्विमिंग करने का बड़ा मन हो रहा था, बहुत टाइम हो गया और अब तो गर्मी भी आ गई, तो एक स्विमिंग पूल दिखा रहा था हमें यहाँ पे गवर्नमेंट बस डिपो के पीछे गूगल मैप पे, तो हम बस उसी को देखने आए हैं गूगल मैप से ढूंढते हुए। सामने पूल तो है पर अभी बंद है या खुला हुआ है पता नहीं, देखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या है, अगर ये खुली हुई तो कल से पक्का पूल आऊंगा। यही है वो पब्लिक स्विमिंग पूल जो दुमका गवर्नमेंट की तरफ से, या शायद प्राइवेट है पता नहीं, इस पर पब्लिक स्विमिंग पूल लिखा होता है तो मोस्टली ये गवर्नमेंट ही है, पर कुछ चार्जेस हैं यहाँ आने के, ये डिस्ट्रिक्ट पूल है, अभी तो फिलहाल बंद है, देखते हैं यहाँ पे कोई अगर मिलता है तो पूछते हैं एडमिशन चार्जेस हैं या फिर क्या चार्जेस हैं। पानी तो है अभी पूल में पर शायद सफाई नहीं हुई है पूल की गर्मियों में, क्योंकि बिल्कुल ग्रीन है पानी, काई जम रखी है पानी के ऊपर, तो अगर ये पानी चेंज करते हैं तब तो बहुत टाइम लगेगा, अगर क्लोरीन डाल के सिर्फ साफ करना है इसको, नहीं
पानी बिल्कुल ही गंदा है, इसमें मेंढक दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं अगर कोई यहाँ पे दिखता है, वो शायद सामने वो ऑफिस है। ये पुल तो काफी अच्छी है पर कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे, और गेट भी बंद है मेन गेट। तो गाइस ये है स्विमिंग पूल दुमका की। 2019 में ये प्रोजेक्ट चालू हुई थी, 2020 में बन के रेडी भी हो गई है, बट अभी भी काम है इसमें। ऐसे बेस वगैरह नहीं बनाई गई है, जंप करने के लिए स्टेजेस नहीं है, पर अगर पुल ही खोल दे तो काफी है नहाने के लिए और मस्ती करने के लिए। ऐसे पानी बिल्कुल ग्रीन है, तो पता नहीं कब तक सफाई होगी। अभी शायद रात भी हो रही है तो लोग नहीं है यहाँ पे, कोई स्टाफ नहीं है, सिर्फ एक लाइट जल रही है वहाँ पे वॉशरूम के पास, ऑफिस में कोई भी नहीं है। देखते हैं अगर कोई नंबर मिलता है तो कॉल करते हैं। वॉक तो हुई 1 किलोमीटर की, पास में 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे है ये। जिस चीज को ढूंढने आए मिल तो वो, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। कल सुबह दोबारा ट्राई करें, अभी फिलहाल वापस घर चल रहे हैं, तो बाय। अभी रुको जरा, सबर करो। गुड मॉर्निंग। पर जब कल रात में आया वापस मैं स्विमिंग पूल से घूम के, बड़ा मन था मेरा स्विमिंग करने का। लास्ट मैंने अपने बोर्डिंग स्कूल में किया, उसका स्विमिंग मतलब पूल में तो अभी तक स्विमिंग नहीं की। बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, देवघर में तो पता नहीं है या नहीं है, कहीं भी नहीं दिखता तो नहीं है गूगल पे। दुमका में एक दिखी थी यार, पर उसमें भी स्विमिंग करना शायद अलाउड नहीं है। हमने फिर से वापस आके हर जगह चेक किया, कॉल किया एक दो लोकल्स को, पर शायद अलाउड नहीं है स्विमिंग करना। तो ये स्विमिंग वाला भी जो था मन, कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा है। जिस चीज का मन होता है वो होता ही नहीं है बिल्कुल। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भैया हमें अलाउड हुआ नहीं उस पुल में जाना, पर क्या करें, वो गवर्नमेंट की थी। अब जिस पुल में हम जा रहे हैं उसमें कोई गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकता, आपसे मिलते हैं सीधा वहीं पे।